मेरा शीशा टूट गया था। अच्छा शीशा टूट गया था आपका, ऐसे इसके बारे में नेगेटिव बताओ जो सबसे ज्यादा नेगेटिव लगता है आपको। स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है, तो स्कॉर्पियो एन भी बहुत, अगर मैं बात करूँ, बढ़िया गाड़ी है, टॉप क्लास गाड़ी है। तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार थार नहीं लेता, वेट कर लेता, स्कॉर्पियो एन ले लेता? ये गाड़ी जो आपने ली है ये रेंगलर की कॉपी बोलते हैं लोग कि रेंगलर की कॉपी है, तो आप उस बात से कितना तक सहमत हैं इस बात के लिए? तो लोगों के दिलों पे राज करने वाली गाड़ी आपके सामने है, महिंद्रा थार। हाल फिलहाल के अंदर इस गाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। फॉर्च्यूनर सबसे ज्यादा बिकती थी इंडिया के अंदर, लेकिन अब सबसे ज्यादा बिकने वाली इंडिया के अंदर ये गाड़ी बन चुकी है, महिंद्रा थार। इसके ओनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कब ली थी गाड़ी, कैसे ली थी, कितने की पड़ी, वो सारी जानकारी, इसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सारी बात कर लेते हैं। जगदीप भाई मेरे साथ हैं। जगदीप भाई कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया भाई। कब ली थी आपने थार? मेरे को हो गया ऑलमोस्ट इसको 6-7 महीने हो गए इसको। 6-7 महीने हो गए। वैसे आप करते क्या, प्रोफेशन क्या है आपका? मेरा भी यूट्यूब चैनल ही है। इनका भी यूट्यूब चैनल है, कार बीस्ट के नाम से मेरा चैनल है, उस पे मैं भी वीडियोस वगैरह काफी डालता रहता हूँ। अच्छा, कार के रिलेटेड डालते हैं? कार के रिलेटेड। ठीक है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी बताइए थार आपने क्यों ली, किस वजह से ली थार आपने? मैं देखो, मेरे पास में ऑलरेडी 2.5 साल से किया सेल्टोस है, और मैं वेरी हैप्पी, और मैं काफी खुश भी हूँ सेल्टोस से। लेकिन मुझे ना एक ऐसी चीज चाहिए थी कि मतलब थोड़ा सा एक जो दबंग टाइप की गाड़ी हो, थोड़ा सा एक खुदरापंती टाइप की गाड़ी, समझ गया, और लैंग्वेज जो भी कहे, तो मेरे भाई इस तरीके से मजबूत होता चाहिए था जो हर जगह चले जाए। मैं गाँव से हूँ, हरियाणा से हूँ, तो रेटीले तीबे वगैरह ऊंचा ऊंचा सब कुछ होता है, तो मेरे को एक ऐसी चाहिए थी जो पहाड़ों में सब जगह जो है ना धड़ाके से एकदम बात। हाँ ये बात तो है, ये गाड़ी कहीं पर भी चला लो। इसके टायर जो है ना, टायर 17 इंच के हैं, 17 इंच के टायर हैं, और काफी बड़े काफी मैसिव लगते हैं। 18 इंच का इसका पूरा जो है ना ये व्हील है भाई साहब। अच्छा 18 इंच का, सही बताऊं इसमें पावर इतनी है। सबसे ज्यादा खास चीज बताऊं कि आज जैसे सेल्टोस वगैरह में नीचे से इतना ग्राउंड क्लीयरेंस नहीं, ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा खासा है, ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज्यादा है। इसको आप मतलब कहीं भी चढ़ा लो, किसी भी तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर लो। गाड़ी है ना ये ऐसी है जैसे हमारे गांव में ट्रैक्टर होते हैं, हाँ ट्रैक्टर वाला काम करते हैं, दबाव नहीं मानते, सही है, तो ये गाड़ी उसी तरीके से दबाव नहीं मानती कहीं भी। अच्छा इसके अंदर एक नेगेटिव मुझे जो लगता है पर्सनली, फैमिली गाड़ी नहीं है भाई ये। यार एक बात बताओ, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, फैमिली के लिए तो ऑलरेडी है आपके पास, ये फैमिली गाड़ी क्या यार हो ही नहीं सकती, फैमिली गाड़ी है, फैमिली गाड़ी के लिए ऐसी थोड़ी है। ये है अपना, ठीक है, दो दोस्त हैं जो अपना पीछे सामान रखा और घूमने ऑफ रोडिंग के लिए चले गए, एंजॉय वाली गाड़ी है, इस तरीके का सोचा है। चलो आपने ले रखी है, आप तो तारीफ करोगे। खैर इसके बारे में नेगेटिव बताओ जो सबसे ज्यादा नेगेटिव लगता है आपको। इसका नेगेटिव अगर मैं बताऊं तो मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगता इसके। ये आप गलत बोल रहे, हर गाड़ी कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है। फैमिली कार जो जिसको कहते हैं ना, एक फैमिली के लिए है। कई बार होता है कि जब एक कमी कतल मतलब समटाइम्स महसूस होती है कि ऑफ रोडिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं कहीं पे पहाड़ों वाड़ों पे, और दोस्त है 4-5, तो उस टाइम पे थोड़ी कमी ये चलती है कि यार काश इसके अंदर एक सिटिंग जो है और होती। तो उसके लिए तो महिंद्रा ने ऑलरेडी सोल्यूशन कर दिया, 5 सीट जो है, आई थिंक 4 डोर की जो है ऑलरेडी अभी आ रही है गाड़ी। हाँ 5 डोर की जो थार है वो नेक्स्ट ईयर आ रही है। ज्यादा कोई मोटा दोस्त है तो वो पीछे आराम से बैठ नहीं सकता, वो दिक्कत है। थोड़ी सामान रखने के लिए अगर 4 बंदे हैं तो फिर सामान रख लेगी प्रॉब्लम, सही है। लेकिन अगर 2 बंदे हैं ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि पीछे सामान रख दो आगे आराम से बैठ करके जाओ। अच्छा अभी 1 महीने के अंदर स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है, तो स्कॉर्पियो एन भी बहुत, अगर मैं बात करूँ, बढ़िया गाड़ी है, टॉप क्लास गाड़ी है, 4x4 वो भी देती है, और पूरी फैमिली कार भी है। तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार थार नहीं लेता, वेट कर लेता, स्कॉर्पियो एन ले लेता? इसका अलग है, कैटेगरी अलग है। आपने अगर मैं एक रिव्यू के हिसाब से बताऊं तो स्कॉर्पियो एन एक ऐसा पैकेज निकाला है, स्कॉर्पियो एन दोनों काम करेगी, ऑफ रोडिंग भी है, एक तरीके से दबंग गैंगस्टर गाड़ी भी है, फैमिली कार भी है, तो एक मल्टी पैकेज की वाली गाड़ी निकाल दी है। मेरे को तो भाई सही बताऊं स्कॉर्पियो एन बहुत ही जो है मस्त लगी, एंड होपफुली को अभी मिल रही है आसानी से। मैं गया था शोरूम में, बुकिंग वगैरह तो मैंने कर रखी है ऑलरेडी उसकी, लेकिन लेट्स सी वो मिलेगी कब तक, काफी लंबी डेट्स उसकी दे रखी। हाँ डेट्स काफी लंबी दे रखी है। ये महिंद्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, गाड़ी तो अच्छी बनाते हैं लेकिन बुकिंग समय बहुत लंबा निकाल देते हैं, बुकिंग का टाइम लगा देते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आज की डेट में, अगर 2022 अक्टूबर चल रहा है, आपके पास 20-22 लाख का बजट है, कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे आज की डेट में? कोई कंपनी स्पेसिफिक
कोई भी कंपनी में जो 20-22 लाख का बजट है आपका, तो कौन सी गाड़ी लोगे? आज की डेट में अगर मैं कोई चूज करूंगा तो स्कॉर्पियो चूज करूंगा। स्कॉर्पियो एन लेंगे। अच्छा, मैंने इसके बारे में काफी सारी वीडियो देखी है, काफी सारे रिव्यू भी देखे हैं। इसके अंदर बोलते हैं कि जब चलती है ना, तेज चलती है, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। 80 तक तो कॉन्फिडेंस रहता है, 100 प्लस जाते ही थोड़ा सा डगमगाने लग जाती है गाड़ी। ऐसा भी कुछ है? डगमगाती तो नहीं है, लेकिन यार चलानी क्यों है 100-120। मैं तो कभी भी मतलब ये लगा लो 80-90, 100-80-90, 100 इस रेंज में चलती है, उससे ज्यादा भगा के करना क्या है? करना क्या भाई, सेफ्टी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कितनी भी मजबूत गाड़ी हो, कितनी भी ऊंची हो, कुछ भी हो, ज्यादा स्पीड तो मारेगी। ये 100% है। अच्छा जगदीप भाई, एक बात आपको शायद पता हो ना पता हो, मुझे आइडिया नहीं है, ये गाड़ी जो आपने ली है ये रेंगलर की कॉपी बोलते हैं लोग कि रेंगलर की कॉपी है, तो आप उस बात से कितना तक सहमत हैं इस बात के लिए? रेंगलर की कॉपी है लेकिन वो 4-door है और ये 2-door है, लेकिन हाँ इसका जो अपर वर्जन आ रहा है वो रेंगलर की कॉपी हम कह सकते हैं, लेकिन भाई रेट का कितना अंतर है? सही बात है, ये 16-17 लाख रुपए की है लास्ट, और वो 70-80 लाख रुपए की, वो 70 लाख की पड़ती है ऑन रोड रेंगलर, 70 लाख की पड़ती है, और ये केवल 17-18 लाख की पड़ जाती है। प्लस सेकंड पॉइंट, इसको 4 स्टार मिले हुए हैं और रेंगलर को पता है आपको कितने? 2 स्टार मिला हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, 2000 सीसी का इंजन, इसका 2500 सीसी का इंजन। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत डिफरेंस है। सही बात, पैकेज बहुत बढ़िया है इसका। वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, महिंद्रा जी ने बढ़िया गाड़ी निकाली है, टाटा और महिंद्रा आंख बंद करके गाड़ी खरीद। सही बात है। इसका एक बार बैक लुक की तरफ चलते हैं, बैक लुक भी दिखा देता हूँ गाड़ी। तो सर सच बताऊं तो अगर लड़के हो आप और अपना मतलब टोरा जमाना चाहते हो, तो इससे बढ़िया टोरा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बैक साइड भी बिल्कुल देखा जाए तो रेंगलर की पूरी कॉपी बनाई गई है, वही सेम लाइट लगाई गई है, पीछे आपको पूरा इसी तरीके से डिग्गी मिल जाएगी। स्पेस की कमी है? स्पेस की कमी जो है ना, ये यहाँ से मतलब अगर मैंने जैसे बोला था ना कि अगर 4 बंदे जा रहे हैं और कहीं दूर जाना है घूमने के लिए, जैसे मसूरी मनाली शिमला वगैरह, तो फिर माल से सामान रखने में दिक्कत होती है। सामान रखने की प्रॉब्लम है, वैसे तो 4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। 4 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना पड़ता है आगे वाली सीट को आगे करके। अच्छा एक चीज और मैं बताऊँ, हाँ पता नहीं और थार वालों के साथ कभी दिक्कत आई, कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे को तो पता है कोई अननोन बंदा गाड़ी के अंदर चढ़ा और ये ऐसे बंद है, हाँ फिर इसको बंद कर दिया एक बार, तो मेरा शीशा टूट गया था। अच्छा शीशा टूट गया था आपका? ऐसे कई बार होता है, ये पहले बंद करना पड़ता है। बिल्कुल, कई लोग क्या करते हैं, एक ने क्या किया ऐसे इतना खोला और ये ऐसे खो दिया, तो तब ये शीशा टूट जाता है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान, हाँ मतलब ध्यान रखना पड़ता है पूरे, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखें, इस तरीके से पहले ये बंद होगा और फिर इस तरीके से यहाँ से बंद होती है। चल गाड़ी यार बढ़िया, गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, मेरा भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कार बीस नाम से चैनल है, मैं भी इन भाइयों जो है भाई की तरह इसी तरीके से गाड़ी के रिव्यूज बनाता हूँ, और ऑलमोस्ट आप लोगों को हर चीज की नॉलेज भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, एंड आप समझ सकते हैं कि मैंने अगर ये गाड़ी ली है तो मैं ऑलरेडी गाड़ी के वीडियोस बनाता हूं। बनाते हैं बिल्कुल, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार ना जगदीप भाई अंदर भी बैठ लेते हैं, अंदर बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी, अंदर भी गाड़ी के अंदर बैठ लेते हैं। अच्छा इस गाड़ी के अंदर अभी मैं काफी देर से बैठा हूँ, काफी दूर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि बैठने की जो सिटिंग पोजीशन है बहुत ऊंची है। सिटिंग पोजीशन जैसे मैंने बोला ना कि इसमें बैठने के बाद आपको फॉर्च्यूनर टाइप की फीलिंग आएगी, बिल्कुल पूरा बोनट दिखता है आगे से, आपको फॉर्च्यूनर से नीची महसूस नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा ऊंची है तो रोड भी जो है प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, बोनट दिखाई दे रहा है, लगने वगने की जो है वो चीजें की जो प्रॉब्लम होती है वो चीज इस गाड़ी के अंदर नहीं है। एक बात तो है, इस गाड़ी के अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, क्योंकि पूरा बोनट दिखता है और पूरा व्यू दिखता है, ORVM भी पूरे बड़े बड़े दिए गए हैं। अच्छा दूसरी चीज बताऊं क्या है, देखो अभी मैं जो बैठा हूँ ना, सिटिंग प्लान मेरे को इसका इतना बढ़िया लगता है, बिल्कुल एक स्पोर्टी जो है सिटिंग प्लान है, ये जो गेस्चर है इसका, ये इस तरीके से ये पोजीशन जो है, ये इसकी पोजीशन मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। स्पीकर वगैरह भी ऊपर दे रखे हैं ना इसके, हाँ स्पीकर्स वगैरह दे रखे हैं, मतलब गाड़ी यार पैकेज बहुत अच्छा है, ये मेरे को बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज्यादा। नहीं गाड़ी में नो डाउट कोई भी कमी नहीं है, और इन्होंने ऑटोमेटिक वर्जन लिया हुआ है अपने, ऑटोमेटिक लिया था। इसका एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज भाई देखो ज्यादा नहीं, लेकिन 8-1 तक की एवरेज मुझे दे रही है। 8-1 की एवरेज, मतलब ये शौकीन गाड़ी है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, शौकीन गाड़ी है, शौकीन गाड़ी है, जिनको शौक है ना गाड़ियों का, और जो मतलब सिर्फ एक ऑफ रोडिंग के लिए या एक अपने खुद के एक फील के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए गाड़ी है। दूसरा सवाल मेरा, दूसरा सवाल ये है, 2022 अक्टूबर चल रहा है, इस टाइम पर थार लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए 5-door थार का?
भाई मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है फोर डोर आ रही है, सही बात है, तो और ज्यादा बड़ी होगी और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा पैसे का ज्यादा डिफरेंस होगा, लाख दो लाख रुपए तक का डिफरेंस हो सकता है बिल्कुल, अभी बाकी वो तो आगे पता चलेगा। फाइव डोर थार आ गई तो उसमें तो फिर फैमिली बैठ सकती है ना अपनी, वो बढ़िया कार हो जाएगी, कह रहा हूँ क्योंकि वेट करना चाहिए अगर आप अभी थार लेने की सोच रहे हो तो इंतजार। अच्छा महिंद्रा से एक बहुत बड़ी शिकायत है मेरी पर्सनली, आपको पता नहीं है आपको, ये जो देते हैं पीछे का मतलब यार इसे ऑटोमेटिक दे देते, हाथ से मैनुअली करना पड़ता है सब कुछ। भाई एक तो एक बात बताओ, 2500 cc इंजन दे रहे हैं, 4x4 भी दे रहे हैं और 16 लाख रुपए में दे रहे हैं, हैं? इतनी फीचर्स, इतना हैवी इंजन, अगर मैं बात करूं तो कौन सी गाड़ी में आती नहीं, है? सही बात है, लेकिन 10-15 हज़ार रुपए और बढ़ाए थे, लेकिन यार इसको तो कर देते। देखो मैं बताऊं, एक काम करो इससे बढ़िया बताऊं क्या है, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल दो गाड़ी लेनी है, अगर थार लेनी है तो 50,000 एक्स्ट्रा निकाल दो, जो आप कह रहे हो ना वो सारे फीचर मिल जाएंगे, सब कुछ निकल दे, मतलब खुद से कराना पड़ेगा, खुद से करा लो, सही बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल मेरे मन में जो आ रहा है, ये गाड़ी मजबूत है, 4 स्टार की रेटिंग है, इसकी छत प्लास्टिक की क्यों दी है इन लोगों ने, प्लास्टिक की क्या देने का रीजन है इसका? भाई देखो एक तो ये हो सकता है कि ये जो छत है इट में पॉसिबल के लोहा गर्म हो जाता है उस वजह से ना दी हो, व्हाटएवर, लेकिन पूरा प्लास्टिक बुरा तो नहीं लग रहा, प्रीमियम लग रहा, अच्छी है, नहीं रो फीलिंग आती है, रो फीलिंग आती है, बिल्कुल रो फीलिंग आती है, लोहे के अंदर अलग चीज होगा, मतलब जो भी है पर ठीक है, नॉट बैड, ये बात तो है, कहीं नहीं है बैड तो नहीं है, कहीं से कहीं तक बैड तो बोला जाएगा, इस रेंज के अंदर इससे बढ़िया गाड़ी डेफिनेटली कह रहा हूँ नहीं मिल पाएगी। बाकी आज का रिव्यू मैं यही खत्म कर रहा हूँ, ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना भूलेगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पर आने वाली है। थैंक यू सो मच जगदीप भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।